विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी की रवानगी की जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 2 मार्च 7 बजे से यूनिवर्सिटी ग्राउंड से पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। उनको ईवीएम मशीन आरओ द्वारा दिया जाएगा। अभी तक 500 बसें डीडीयू में खड़ी हैं और बाकी बसें कल तक खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों के लिए सभी व्यवस्था किया जा रहा है। सुगम व्यवस्था के साथ पोलिंग पार्टियों को और पुलिस बल को पोलिंग बूथ पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शांतिपूर्वक मतदाताओं का मतदान व्यवस्था पूर्ण कराया जाएगा और सभी आरओ वापस आकर स्टोर रूम पर अपने ईवीएम मशीन को जमा करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, गिलास अरे पोलिंग पार्टी रवाना के लिए अगर बसें यूनिवर्सिटी में आकर खड़ी है, कब तक रवाना है, कितनी बसें हैं? 2 तारीख को पार्टियों की रवानगी होगी। सुबह 7 बजे से पोलिंग पार्टियां यूनिवर्सिटी ग्राउंड से रवाना होंगी। उनको ईवीएम मशीनें आरओ द्वारा दिया जाएगा आयोग के निर्देशानुसार, और बसें हम लोगों ने अधिकृत की थी और सभी का सहयोग से हम लोगों ने अभी 500 से अधिक बसें खड़ी की हैं। 850 बसें खड़ी होनी है, शेष बसें आज खड़ी हो जाएंगी। वहाँ पर व्यवस्थाएँ सभी हमारे वाहन चालकों के लिए, साथियों के लिए किया जा रहा है, और कोशिश यही है कि एक सुगम व्यवस्था के साथ बसों के माध्यम से हमारे पोलिंग पार्टियां और पुलिस फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बल पोलिंग बूथ पर पहुंचे, माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में शत प्रतिशत अनुपालन कराते हुए शांतिपूर्वक, सुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण इलेक्शन पूर्ण करते हुए मतदाताओं को मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यवस्था देते हुए वापस आके स्ट्रांग रूम पर अपने ईवीएम मशीनों को और अन्य प्रपत्रों को जमा करें।